जी बायसी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग और चुनाव एक्सप्रेस के दरमियान हम लोग कवरेज करने के लिए जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो ये देख रहे हैं जो मजदूर है जो बिहार सरकार दावा कर रही है कोरोना काल में मजदूर बाहर नहीं जा रहे हैं, यहाँ समुचित रोजगार की व्यवस्था की गई है। आप इस तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं ये बस खड़ी है और ये बस मजदूरों को लेके बिहार से बाहर जा रही है। अब कह सकते हैं कि कोरोना का भय लोगों के बीच में कम होता जा रहा है, लोगों को जो रोजगार जो रोटी चाहिए जो कपड़ा चाहिए जो मकान चाहिए वो जरूरी हो गया है इस कोरोना काल में। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कब पहुंचेगा पुणे? यहाँ काम नहीं मिला तो यहाँ काम मांगने के लिए आपको प्रयास किए थे काम करने के लिए? काम ही नहीं है तो कोरोना में आपको डर नहीं लग रहा था? डर क्या कोरोना का ऊपर वाला कोरोना में डर नहीं लग रहा था? सर कोरोना तो ऐसे पेट क्या करेगा सर, पेट के लिए तो जाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ सरकार जो बोल रही है दावे कर रही है सरकार भोजन की व्यवस्था करवा रहे हैं रोजगार की व्यवस्था हो रही है, क्या सब दावे किए हैं? छह महीना तो हो गया लेकिन क्या रोजगार की दिया सरकार? कोई रोजगार नहीं, क्या रोजगार दिया कुछ तो नहीं। तो आप लोग अभी जाएंगे तो वहाँ रोजगार मिल जाएगा? 2 किलो चावल 3 किलो गेहूँ 3 किलो चावल पीने के लिए खाना ये है सर। 2 किलो चावल 3 किलो गेहूँ आप यही खाना है यहाँ की सरकार यहाँ के लोगों को व्यवस्था दे रही है। ये बहुत बड़ी सवाल है जो बेरोजगारी का आलम है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मैं कैमरामैन के कहूँगा एक बार राउंड होके आप पूरा बस का नजारा दिखाएं कि किस तरह बेरोजगारी का आलम है, किस तरह यहाँ की जो बायसी की जनता है वो अब रोजगार के लिए जा रही है। हमारे साथ में कुछ और अन लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कहाँ जा रहे हैं आप? बम्बई जा रहे हैं, वहाँ काम मिल गया। कहे जा रहे हैं बिहार से कोरोना में डर नहीं लगता? डर तो लगता है सर, कोई ना होना चाहिए ना। तो यहाँ की सरकार जो दावा कर रहा है जो विधायक है जो जनप्रतिनिधियाँ बोल रहे हैं काम मिल रहा है काम मिल रहा है तो उसको चावल है तो मिल रहा है ना सर। राशन कार्ड नहीं है तो उसको चावल है चावल नहीं है राशन कार्ड है उसको वही मिल रही है राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। सवाल बरकरार है जिसको राशन कार्ड है उसी को राशन मिल रहा है, जिसको राशन नहीं है वो नहीं है। बेरोजगारी का आलम है, सरकार के सब दावे को ढाक के 3-5 नजर आ रहे हैं इस जगह बायसी विधानसभा क्षेत्र में। लोगों का पलायन जारी है, सरकार जो वादा कर रही है सरकार जो दावा कर रही है वो सिर्फ किताबी दावे हैं। इस कोरोना काल का जो भय है वो कहीं ना कहीं अब लोगों के बीच से जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये पापी पेट का सवाल है, लोग आखिर करें तो क्या करें? इस जो सरकार है वो सुनने नहीं जा रही है इनकी, क्योंकि अब इनको अपना जो पेट है अपना जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको खुद चलाना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे लोग यहाँ बस खड़ी है, ये बस बम्बई पुणे की ओर जा रही है ये बस, और वहाँ जाके ये लोग रोजी रोटी का जो काम है वो ढूंढेंगे, वहाँ उनको रोजगार मिलेगा और अपने परिवारों का जो भरण पोषण है वो करने का प्रयास करेंगे, वहाँ 2 रोटी का कमाएंगे कुछ पैसे कमाएंगे अपने घर के परिवार के सदस्यों को भेजेंगे, तब कहीं ना कहीं जाके जो इनका जिंदगी है वो पटरी पे लौटेगी। हमारे साथ में कुछ और अन्य लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं घूमने? कहाँ काम करने? मुंबई। यहाँ काम नहीं मिल रहा बाबू? तो इस कोरोना काल में डर नहीं लग रहा? तो वहाँ पे कैसे काम का व्यवस्था हो गया? देखिए ये युवा है, कितना क्या नाम है आपका? राजीव है, बड़ा अच्छी बात बोले कि सर पापी पेट का है, भूख का सवाल है, भूखे से मरने से अच्छा है कोरोना से ही मर जाए। आखिर जिंदा रहेंगे किसके बदौलत रहेंगे? अनाज चाहिए, पेट में भोजन चाहिए, परिवार है, लोग हैं, घर के और सदस्य हैं, उनका जीवन को उपार्जन है वो चलाना है, जिंदगी चलाना है, उसके लिए काम तो करना पड़ेगा सर। कोरोना के भय से बैठेंगे, सरकार जो वादे कर रही है सरकार जो दावे कर रही है वो कहीं ना कहीं सिर्फ वो कागजी पर है, कागजों पर दिखाई पड़ रही है। देख सकते हैं कि जो रोजी रोटी की जो स्थिति है जो चाहिए वो बहुत ही जरूरी होता है। क्या बोल रहे हैं बताइए सर? खा
इधर है लगता कोरोना का भी डर है। कोरोना तो है, कोरोना का भी डर है। भाई मेरी भी सरकार व्यवस्था नहीं की है, कुछ नहीं किया है। क्या तो व्यवस्था किया, चुनाव भी है आप लोगों का, चुनाव चुनाव होने से क्या होगा, वोट देगा जिस पे बैठ जाएगा क्या करेगा। इनको रोजी रोटी की जरूरत है, बहुत दिन से बेरोजगार भूखा भूखे हैं, परिवारों को चलाना जरूरी है इनके लिए। अब जो बर्दाश्त है वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब पेट का सवाल है, पार्टी पेट का। सरकार सिर्फ दावे किताबों पे कर रही है, किताबी दावे हैं, लेकिन सरजमी पे कुछ नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, अब की बार किसकी सरकार, किस में कितना है दम, कौन मारेगा बाजी, किसका होगा पलड़ा भारी, एनडीए की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार, राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल, किसके सर बंधेगा बिहार का ताज, क्या है जनता का मूड और मिजाज, नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल, हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल। पावर्ड बाई ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज लाइव।